मैं अभी नक्सल प्रभावित ग्राम है तिलाई माल, वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका होने के बाद भी किसी तरह का कोई विकास काम यहाँ पर। अभी नक्सल प्रभावित ग्राम है तिलाई माल, वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका होने के बाद भी किसी तरह का कोई विकास काम यहाँ पर नहीं हुआ है। पूरे गांव के लोग परेशान है, यहाँ से सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और पूरे गाँव के लोग यहाँ पर परेशान हैं। गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर न कभी कोई मंत्री आते हैं, न कोई विधायक आते हैं, अधिकारी नहीं आते हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था इस गाँव में नहीं है। आज तक गाँव वाले काफ़ी समस्या झेल रहे हैं और गांव के लोगों की मांग है कि लंबे समय से समस्या झेलने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई पंचायत में नहीं होती है, ना कोई अधिकारी सुनते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि यहां पर सड़क सुविधा हो, बिजली की पानी की व्यवस्था हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर लंबे समय से इस तरह की समस्या लोग झेल रहे हैं, जबकि शासन का उद्देश्य है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास हो सके और यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन यहाँ इसके ठीक उल्टा यहाँ के लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आपका नाम? सुभाष पटेल। कहाँ रहते हैं? तिलाई माल। ये तिलाई माल गाँव काफ़ी जंगल अंदर है और मुख्यालय से काफ़ी दूर है। जी सर। यहाँ पर क्या असुविधा है, क्या समस्या है आपकी? पहले बात तो रास्ता नहीं है सर, जो रास्ता था वो जामपाली वाले बंद कर दिए हैं सर, आने जाने के लिए रास्ता अभी नहीं है। बच्चे लोग स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, दो महीने से स्कूल नहीं गए हैं बच्चे लोग, अभी भी जा पा रहे हैं, शिकायत वगैरह किए हैं तो इनको भी रोक दिए थे बच्चे लोगों को स्कूल जाने के लिए। गांव में सड़क नहीं है, रोड नहीं है सर, तो अभी तक कोई विकास यहां नहीं हुआ? विकास नहीं है सर, कोई आता ही नहीं है सर, इधर नक्सलेट एरिया बोलते हैं और आते ही नहीं है सर कोई। यहां कोई विधायक मंत्री कोई नहीं आता? नहीं आते सर। कोई अधिकारी आते हैं? नहीं आते सर, नहीं आते। तो गाँव वाले कभी मांग नहीं किया आपकी सड़क बन जाए? मांग करते हैं सर, लेकिन किसको मांग करेंगे, कोई सुनते नहीं जाते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं होता सर। क्या चाहते हैं आपके गांव वाले अभी? सर हम वही तो, विकास होना चाहिए सर अपने गांव का, रोड रास्ता खुलना चाहिए, बच्चे लोग अभी घर में बैठ जा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं है गांव में, आंगनबाड़ी नहीं है गांव में, कहीं नहाने के लिए तालाब नहीं है, नल जल योजना नहीं है, गली कांगट नहीं है। पंचायत से कोई विकास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है सर। कौन से पंचायत में आता है? बनमटा पंचायत सर। तो पंचायत में मांग करने के बाद भी आपके काम कोई सुना ही नहीं होता सर, जितना सरपंच को सचिव को बोलते हैं तो कुछ नहीं करते सर, हाँ हाँ बोलते हैं बस।